15 सितंबर को हमने GTMO एलोपैथी होम्योपैथी एंड डेंटल सर्जन ये हमने फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया है आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर 2 years. तो 2 साल बाद APPSC में फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ जिसमें 1093 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था एंड 962 कैंडिडेट्स अपीयर किए. हमने बहुत सारे जो जैसा कि हमने टाइम टू टाइम मीडिया को और न्यूज़पेपर में और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया था. तो आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू कि व्हाट न्यू स्ट्रक्चर्स things that we have introduced in this examination and how we are ensuring that utmost transparency and accountability is done in these examinations. Aap sab jante hain December January mein reconstitution hua tha commission ka, uske baad se hum continuous reorganization aur structural changes kar rahe hain. Sabse pehle humne naya manual banwaya exam conduct karne ka, written interview एंड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं एग्जामिनेशन के उसके लिए हमने पहले ओपिनियंस और सजेशंस दिए थे पब्लिक से. फिर उसके बाद हमने मैनुअल का ड्राफ्ट बना के वेबसाइट पे डाला और उस पर फिर से सजेशंस दिए और हमने वेबसाइट को फाइनलाइज करके पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया था जून में. उसी को हमने बेसिस बना के फर्स्ट इंटरव्यू और अब फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया है. फर्स्ट इंटरव्यू हमारा अगस्त में हुआ था, 2nd-3rd August में. उसमें हमने जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट का डायरेक्ट इंटरव्यूज थे वो कराया SOP और मैनुअल फॉलो करते हुए. और अब 15 सितंबर को हमने फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का. हमने स्टेप बाय स्टेप जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी based on our manual and based on the suggestions received from various pairs और जो हमने विजिट की UPSC में दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन्स में दूसरे स्टेट्स का एक्सपीरियंस लेके हमने बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की. सबसे पहले एडमिट कार्ड में हमने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी कैंडिडेट्स के लिए ताकि किसी भी टाइप प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो उनको एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के टाइम पे. वो इंस्ट्रक्शंस हमने वेबसाइट पे पब्लिश भी की और जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम आल्सो एक और हमने जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए जैसे टाइमिंग्स थी वो सब भी हमने वेबसाइट पे पब्लिश किया. हमने ग्रीवेंस सेल बनाया हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी और एक हमने हेल्प डेस्क नंबर बनाया जो कम्प्लीटली एक्टिव रहा है ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस. इट्स अ 24-hour सर्विस जिसमें आप कभी भी थ्रू मेल कैंडिडेट्स अपना ग्रीवेंस दे सकते थे या आप जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो लिख सकते थे कन्फ्यूजन जो भी है एंड इट वॉज इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड एंड एग्जामिन्ड एंड रिस्पॉन्डेड. तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और ग्रीवेंस ये सब का ध्यान रखते हुए एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया. सेकेंडली हमने प्रोविजनल एडमिट कार्ड जब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो हमने प्रोविजनल लिस्ट बनाई कैंडिडेट जिनका एक्सेप्ट किया उनका भी जिनका रिजेक्ट किया उनका भी और जिनका प्रोविजनली एक्सेप्ट किया उनका भी अलॉन्ग विद द रीजंस कि क्यों उनका रिजेक्ट हो रहा है या क्यों उनका प्रोविजनली एक्सेप्ट हो रहा है और उस को हमने वेबसाइट पे डाला और कैंडिडेट्स को टाइम भी दिया कि अगर थोड़ा बहुत छोटी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो रहे हैं ताकि उनका कैंडिडेचर कम्प्लीटली कैंसिल नहीं हो छोटी गलती के पीछे उनको हमने टाइम भी दिया 2 दिन का समय दिया एंड करेक्शन के लिए और उसको ये सब हमने ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट किया एंड वी इंश्योर कि जहाँ पे करेक्शन जो कैंडिडेट्स सीरियस कैंडिडेट्स थे करेक्शन कराया उनको करेक्ट करके वी एक्सेप्टेड देयर कैंडिडेचर. दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी सेट द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस राइट. तो ये प्रोविजनल लिस्ट से वी इंश्योर कि जो कैंडिडेट सीरियस नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हुए एज पर द एडवर्टाइजमेंट या एज पर दी गाइडलाइंस उन वो एग्जाम नहीं लिखें एंड जो सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने सब किया हुआ है बट छोटी मोटी गलती हो गई है वो पिनलाइज नहीं हो. तो आफ्टर दिस द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वॉज प्लेस्ड एंड अकॉर्डिंगली एडमिट कार्ड्स वर इश्यूड. हमने जहाँ जहाँ कोशिश की है जहाँ हो सकता है वहाँ ईमेल के थ्रू कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट किया जाए सो दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप विद द कैंडिडेट्स.
विद रिगार्ड्स टू फिजिकल एग्जामिनेशन अगेन हमने एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स बुलाए अब की बार फॉर ऑल द प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे भी एंड रिजल्ट के टाइम पे जो स्कैनिंग का प्रोसेस होता है उस सबके लिए एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स बुलाए गए. पूरी चेकलिस्ट बनाई गई जो भी एग्जाम फंक्शनरीज थे उन सबको दिया गया. सीनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया सो दैट जो एग्जामिनेशन प्रोसेस हो वो एकदम स्मूथली ऑब्जर्व किया जाए. The exam was conducted at two centers. Examination was smoothly हुए. जो हमारे protocols थे as per manual, जो भी mention किया था उसको strictly follow किया गया. Whether it was with respect to closure of gate or timings of all the steps of the examinations. उसके अलावा जब examination smoothly हो गया तो जो एक major हमने जैसा कि हमने अपने manual में भी दिया था हमने जो मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया है वो है आंसर की चैलेंज. आफ्टर एवरी एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हमने मैनुअल में लिखा था कि वी विल गिव आंसर कीज. तो अब की बार हमने रिजल्ट बनाने से पहले ही आंसर की चैलेंज वेबसाइट पे लगाया अलोंग विद द क्वेश्चन बुकलेट्स. क्वेश्चन बुकलेट्स और आंसर की वेबसाइट पे लगा के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया कि अगर उनको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो उसको फॉर्म में भर के हमारी नॉलेज में लेकर आए. उसको एक हमने एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल बनाया जो एग्जामिन जिसने उसको एग्जामिन किया. इवन बिसाइड्स दिस हमें जो भी एक दो क्वेरीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इनविजिलेटर्स के नोटिस में आई उनको भी हमने रिकंसिडर री एग्जामिन किया सो दैट जो फाइनल आंसर की बने जिसके बेसिस पे रिजल्ट बने उसमें किसी भी प्रकार की गलती का स्कोप नहीं रह सके. तो हमने समय दिया अगले दिन 3 बजे तक. तो 15 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ. आंसर की अपलोड करने के बाद एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ पूरा जब हमारे रिटन शीट सारी वापस आ गए वो स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक हो गए उसके बाद हमने आंसर की अपलोड की और हमने 16 तारीख के 3 बजे तक का मौका दिया सिर्फ कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई कर सके अगर उनको किसी भी क्वेरी में डाउट है तो. थ्रू दिस आई वांट टू इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स आल्सो कि वी विल कंटिन्यू टू डू दिस प्रैक्टिस. तो इसलिए एग्जाम खत्म होने के बाद वो एक बार वेबसाइट पे जाके अगर कोई भी किसी में भी उनको डाउट है तो वो आंसर की चैलेंज लें और हमें बताएं. सेकेंड जब आंसर की चैलेंज खत्म हो गया हमने क्वेरीज जो भी हमारे पास भी थी वो हमने करके फाइनल आंसर की भी अब हमने डाली हुई है क्वेश्चन बुकलेट भी डाला हुआ है और उस आंसर की के बेसिस पे हमने रिजल्ट बनाया और रिजल्ट दिया. एग्जामिनेशन के टाइम पे हमने और कुछ कुछ जैसे ब्रीफिंग सेशंस किए ऑब्जर्वर्स के और हमने बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस किया. अब की बार बायोमेट्रिक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है APPSC में ये इंश्योर करने के लिए कि कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वही एग्ज़ाम लिख रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट बन रहा है. तो उस चीज़ को इंश्योरिटी करने के लिए बायोमेट्रिक हमने इंट्रोड्यूस किया. हमारे पास सफिशिएंट टीम थी तो बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस हुआ. बिसाइड्स दिस हमने वन टाइम लॉक OTLs जो होते हैं हमने वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं और वो यूज़ किए पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में जहाँ पर भी सेंसिटिव मटीरियल है और हर चीज़ का क्रॉस वेरीफिकेशन हुआ है to ensure that the sensitivity of the entire examination and confidentiality of the entire examination is maintained. फिर जो हमारा final process था scanning में भी हमने observer रखे one time process किया specially dedicated teams बनाई ताकि scanning process एकदम smoothly and without any mistake without any errors कर सके. and we had to burn the midnight oil. The scanning team sat through entire night to make sure that the result is published the next day. So 15 tarikh ko humne exam liya and 16 tarikh ko answer ki challenge ke baad humne scanning shuru ki and 17 ki subah humne result publish kar diya to ensure maximum transparency and maximum confidentiality at the same time. And the exam process entire is conducted and the result is given in the at the earliest within minimum time possible.
So this is from our side, and APPSC will ensure that the same degree of transparency and confidentiality for sensitive things and transparency for the candidates is ensured in upcoming examinations. अब इस संडे को हम लेक्चरर का एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशन, एंड सिमिलरली विल स्टिक टू द कैलेंडर दैट हैज़ बीन गिवन, जो हमने पहले दिया था एक महीना पहले. कैंडिडेट्स को भी यही मैसेज है कि आप उस कैलेंडर को स्ट्रिक्टली मान के चलें कि इसी से ही होगा, इन्हीं डेट्स पर होगा, कोई डेविएशन नहीं होगी. और किसी प्रकार की डेविएशन होती है तो हम बताएंगे, बट डेविएशन नहीं होगी. हमारी टीम 24 घंटा काम कर रही है टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन इन द स्मूदेस्ट, फेयरेस्ट मैनर एंड एट द अर्लीस्ट. थैंक यू सो मच.